एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ और शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक जेड रोलर और गुआशा मंगवाया था, तो इससे ना जो डार्क सर्कल होते हैं और जो रिंकल्स होते हैं ना, उनको ठीक होने में मदद मिलती है। तो पहले मैं आपके साथ में डेमो शेयर कर देती हूँ, तो उसके बाद आगे का रूटीन शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि जेड रोलर और गुआशा क्या है, कैसा है। मैंने जेड रोलर और ये है सेटिन ब्रांड का। तो चलो इसको फिर ओपन कर लेते हैं कि ये कैसा है, क्या है और किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो पैकेजिंग है तो बहुत ही औसम है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती ही हूँ। और इस तरह से मुझे ये मिले हैं दो। तो ये है जेड रोलर, ये है गुआशा। तो इसको ओपन कर लेते हैं कि किस तरह का है। तो ये है जेड रोलर, ये देखिए। तो ये जो जेड रोलर है ना, इससे मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसको हमें इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से। और यूज़ करने से पहले हमें अपना फेस वॉश कर लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद हमें किसी सीरम का या क्रीम का यूज़ करना है। और पहले सीरम या क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इस तरह से ज़्यादा दबाव हमें नहीं बनाना है, तो इस तरह से अपने फेस के ऊपर हमें इससे मसाज करनी है, इस तरह से। और इसी तरह से हमें फोरहेड की मसाज भी करनी है, इस तरह से, इस तरह से। और जो हमें अपने नेक की मसाज करनी है वो नीचे की तरफ इस तरह से करनी है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे हमें अपनी आँखों की मसाज करनी है, इस तरह से, इस तरह से। और इसके साथ में एक मिलता है ये गुआशा। और जब भी हम ना इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इनको हमें यूज़ करने के बाद अच्छे से साफ़ करके रख लेना चाहिए। तो ये है गुआशा और इसको शायद कुछ इस तरह से ही यूज़ करना है, इस तरह से और इस तरह से। और ज़रूरी नहीं कि हमें यहाँ यूज़ करना है, इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे हम इसको लगा रहे हैं ना अभी फेस पर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिल रही है इससे। तो इसका जो प्राइस है ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसका प्राइस है 599। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सारी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आगे का रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो पहले बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फटाफट से आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। मैं बना रही हूँ ये ब्राउन ब्रेड से पिज्जा सैंडविच। और पहले मैंने आपके साथ में शेयर करा था, तो व्हाइट ब्रेड का मैंने बनाया था। तो सांची कह रही थी कि उसको एक बार ये ब्राउन ब्रेड का खाना है, तो इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो ये मैंने सारी सब्जियां काट के इसमें रख ली हैं, और ऑरिगेनो और ये जो इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, पिज्जा सीजलिंग, तो ये मैं इसमें ऐड करूंगी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद के अनुसार, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो पिछली बार ना जब मैंने ये पिज्जा ब्रेड बनाया था, मतलब सैंडविच पिज्जा, तो उस टाइम पे मैंने ब्रेड के ऊपर ही सॉस लगाया था, लेकिन आज मैं इसमें ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स करके उसके बाद ही लगाऊंगी।
तो जब मैंने पिछली बार बनाया था ना, तो वो थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया था, आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। और ये सॉरी, ये सॉस नहीं, ये है केचप, ये देखिए। तो ब्रेड का साइड वाला हिस्सा मैंने इस तरह से अलग कर लिया है, और ज़रूरी नहीं कि ये हिस्सा अलग करना ही है, ऐसे भी बनाया जा सकता है पिज़्ज़ा सैंडविच, लेकिन मैंने हटा लिया है। ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, और मन ही नहीं कर रहा है कि इसको खाया जाए। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल ऑप्शन को भी क्लिक करिएगा। और ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि बच्चे बहुत मन से खा लेते हैं, तो वैसे तो सब्जियां खाने के लिए बच्चे ड्रामे करते हैं, लेकिन इस तरह से खूब सारे सब्जियां खा लेते हैं, तो मैंने खूब सारी सब्जियां ये सैंडविच ब्रेड में रख ली हैं। तो सांची देखने के लिए किचन में आ गई है कि बन के तैयार हुए हैं कि नहीं, वो सोच रही है कि कब बने और कब मैं खाऊं, तो उसके लिए तो बन गए हैं। और इन सब चीज़ों की फरमाइश सांचे की ही सबसे ज़्यादा होती हैं। ये देखिए सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, और ये थोड़ा सा चीज़ मैंने ना ऊपर से डाल लिया था, तो अभी सांची खाएगी और खा के बताएगी कि ये कैसे बने हुए हैं। तो एक मैं इसी तरह से रख रही हूँ ये वाला, कैसे हो रहा है? और ये देखिए समीक्षा यहाँ पे बना रही है ड्राइंग। समीक्षा है पटाना जी, यहाँ पे बैठ के आराम से खाई जा रही है। सांची कैसे बना है, कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छा। समीक्षा कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है।